रामनगरी अयोध्या में रोशनी के त्यौहार दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस साल का समारोह बहुत खास होगा क्योंकि ये राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले आयोजित हो रहा है। मान्यता है कि लंका पर विजय के बाद भगवान राम जब अयोध्या लौटे थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ और जश्न मनाया गया था। लिहाजा इस बार दीपोत्सव के दौरान यहाँ के 51 घाटों पर 21 लाख दीपक जलाने की तैयारी है। 21 लाख दियों को जलाया जाएगा इस दीपोत्सव में। तो पिछले दीपोत्सव में जितने दीप जलते रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा संख्या में हम लोग दीप लगाएंगे और उससे कहीं ज़्यादा भव्य बनाने का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस बार का दीपोत्सव अब तक का सबसे वृहद सबसे शानदार दीपोत्सव हो। झांकियों की संख्या लगभग पिछले बार से ज़्यादा होगी और 3 विभाग अलग अलग झांकियाँ लगाएंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट की रहेंगी, संस्कृति की रहेंगी और सूचना विभाग की रहेंगी। उत्सव के दौरान जुलूस के लिए भगवान राम के जीवन पर आधारित झांकियां तैयार की जा रही हैं, जिसके लिए दिल्ली से मुस्लिम कारीगरों को बुलाया गया है। ये 10 तारीख को ओपनिंग हो जाएगी, यहाँ से 10 तारीख को चली जाएंगी, 11 तारीख में वहाँ पे जहाँ निकलेंगी वहाँ पे चली जाएंगी। अच्छा, ये आप लोग जितने लोग भी हैं सब मुस्लिम कारीगर हैं? कितने जी 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 मुस्लिम कारीगर हैं। कितनी झांकियाँ बना रहे हैं? 11 झांकी हैं। किस किस विषय पर रहेंगी ये सब? इसी पे है दीपोत्सव के लिए। कितनी झांकियाँ अब तक लगभग तैयार कर ली?